नमस्कार, SSN Solution चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम जो 2013 का मैथमेटिक्स के पार्ट ए की जो सीरीज लेकर के चल रहे हैं, उसमें 1 से लेकर के 5 तक के जो क्वेश्चंस हैं, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिए। यदि वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन 6 से लेकर के 10 तक के जो क्वेश्चंस हैं, वो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम क्वेश्चन 6 से कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 6 है हमारे पास में, सपोज यू एक्सपेंड द प्रोडक्ट x1 plus y1 into x2 plus y2 into and so on x20 plus y20. How many terms will have only one x and rest y's? तो ये हमें दिया हुआ है कि इस प्रकार की जो वैल्यूज हैं, जहां x1 plus y1, x2 plus y2 and so on x20 plus y20, मतलब ये 20 terms हैं, इन्हें आपस में हम मल्टीपल करें तो इनका जो फाइनली जो रिजल्ट आए हमारे पास, उस फाइनली रिजल्ट में x केवल एक बार हो, बाकी y की वैल्यूज आए, तो ऐसी टोटल कितनी टर्म्स होंगी इसके फाइनल रिजल्ट में, तो उसके बारे में हमसे पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे पास में 1, 5, 10 एंड 20। तो इसे हम 1, 2, 3, 4 इस टाइप की टर्म्स लेकर के मल्टीपल करके एक रूल बनाएंगे और फिर इसको हम बता पाएंगे। ओके, तो इसे हम सॉल्व कर, यदि हम ओनली वन टर्म्स लेते हैं x1 plus y1 और x2 plus y2, इसका हम मल्टीपल करें तो हमारे पास में क्या बनेगा, हमारे पास में बनेगा x1 y2 plus y1 x2 plus y1 y2। अब यहां क्या कह रहा है कि x only one बार, बाकी y होना चाहिए, तो इसमें तो दोनों बार x है तो ये नहीं होगा, इसमें दोनों बार y है ये भी नहीं होगा, इन दो टर्म्स में x एक बार आ रहा है, बाकी की वैल्यू y है, दैट मींस ये भी होगा ये भी होगा। इसका मतलब यदि हम दो वैल्यूज को मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास में कितने बार टर्म्स होंगे, ऐसी 2 टर्म्स होंगी। यदि हम 3 को मल्टीपल करें, x1 y1 x2 y2 x3 y3 इक्वल्स टू, दैट मींस इन दोनों का प्रोडक्ट तो हमने निकाल रखा है, इस प्रोडक्ट से हमें केवल x3 plus y3 को मल्टीपल करना है, तो इसका मान लिख देंगे हम x1 x2 x1 y2 y1 x2 y1 y2 into x3 plus y3। अब हमें क्या चाहिए, हमें वो वैल्यू चाहिए जिसमें x केवल एक बार हो, तो ये टर्म्स तो आएगी नहीं क्योंकि इसमें तो पहले से x दो बार है, इन दोनों में x एक एक बार है, इसमें नहीं है, तो ये जो नहीं है उसको एक x चाहिए, तो इसको यदि हम इसके साथ मल्टीपल कर दे तो एक x बनेगा हमारा, तो एक तो आ गया हमारा ये x3 y1 y2। अब यदि इसको इससे करेंगे तो x आएगा नहीं, जबकि एक x कंपलसरी है आना, तो इसको इसके साथ हम मल्टीपल कर नहीं सकते, इसको हम किसी के साथ नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी 2x है, हमें केवल 1x चाहिए, तो इसे हम किसके साथ करें, 1x आ गया इसका मतलब वापस से x नहीं आना चाहिए, तो इसको हम इससे मल्टीपल कर दें, ऐसे ही इसको इससे मल्टीपल कर दें, तो 1x है, बाकी के हमारे y होंगे, तो ये क्या बनेगा x1 y2 y3 plus x2 y1 y3। बाकी की जो भी टर्म्स आएंगी उन टर्म्स में या तो x एक से ज्यादा होगा या फिर x होगा ही नहीं, तो वो हमें नहीं चाहिए, तो यहां कितनी टर्म्स आ रही है हमारे पास में, 3 टर्म्स आ रही हैं। यदि हम 3 को मल्टीपल करते हैं तो 3 है, 2 को मल्टीपल करते हैं तो 2 आ रहा है हमारे पास। अब ऐसे ही यदि हम इसको फिर से मल्टीपल करेंगे 4 टर्म से, तो
ये जो वैल्यू है जिनमें एक बार एक्स आ रहा है, जिनमें एक बार एक्स आ रहा है, ये केवल वाई फोर से मल्टीपल होगा तो तीन टर्म्स आएंगी, और जिसके अंदर कंप्लीट y की वैल्यू है वो किसमें आएगी, y1 y2 y3, इसको हम x4 से मल्टीपल करेंगे तो आएगी, तो केवल चार टर्म्स हमें मिलेंगी। ऐसे यदि हम मल्टीपल करते हुए जाए तो 20 टर्म्स को आपस में मल्टीपल करने पर इस टाइप की वैल्यू हमें कितनी मिलेंगी, 20 मिलेंगी। 2 को करने पर 2, 3 को करने पर 3, 4 को करने पर 4, ऐसे 20 बार करेंगे तो कितने आएंगे हमारे पास में, 20। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में हमें दिया हुआ है ए 16.2 मीटर लॉन्ग वुडन। ओके, एक वुडन है जो 16.2 मीटर लंबी है, हैज ए यूनिफॉर्म डायमीटर ऑफ 2 मीटर। इसका जो डायमीटर हमें दिया हुआ है वो डायमीटर है 2 मीटर, इसकी जो लेंथ है वो 16.2 मीटर है, इसका जो डायमीटर है वो 2 मीटर है। टू व्हाट लेंथ द लॉग शुड बी कट टू ऑब्टेन ए पीस ऑफ 22 मीटर क्यूब वॉल्यूम। तो इस वुडन को हम कितनी लंबाई का काटे ताकि हमें 22 मीटर क्यूब वॉल्यूम हमें मिल जाए। तो ये हमें एक वुडन दिया हुआ है, हमें जिसका जो डायमीटर है ये डायमीटर 2 मीटर है, और इसकी जो लेंथ है ये लेंथ हमें दी हुई है 16.2 मीटर। अब यहां इसे हम किस हाइट के ऊपर इसको कट करें ताकि हमारे पास जो इसका वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हमें 22 मीटर क्यूब का मिल जाए। तो ये जो वुडन है ये वुडन एक्चुअल में सिलेंड्रिकल शेप के अंदर है, और हम जानते हैं कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो होगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच। हमें पाई का मान पता है, आर का मान इसका हाफ कर देंगे, एच का मान हमें पूछा गया है, और ये हमें दिया हुआ है कि पाई आर स्क्वायर एच का मान क्या है, 22 मीटर क्यूब। यहां से हमें एच का मान चाहिए, तो एच क्या होगा, 22 मीटर क्यूब अपॉन में पाई, पाई की वैल्यू हम 22/7 लिखेंगे ताकि इजीली हम इसको कैंसिल कर सके, और ये जो आर है आर का मान क्या है हमारा 1 मीटर इनटू वन मीटर। ओके, 2 मीटर डायमीटर है तो इसकी रेडियस क्या होगी 1 मीटर, मीटर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर बचेगा हमारे पास में। तो ये 7 हमने यहां लिख ही दिया, 22 से 22 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में h की वैल्यू आएगी हमारे पास में 7 मीटर। तो इस वुडन को यदि हम 7 मीटर हाइट के ऊपर कट करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम होगा हमारे पास वो वॉल्यूम होगा हमारा 22 मीटर क्यूब। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में बताओगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 7 की पावर 73। ओके, हमें ये दिया हुआ है कि 7 की जो पावर 73 है उसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी। ये हम जानते हैं कि यदि किसी भी नंबर्स की पावर 4 की जाती है और उसके बाद में जैसे उसकी पावर 5 करेंगे तो वही वैल्यू हमारी वापस से रिपीट होती है। किसी भी नंबर की 4 या 4 से डिवाइड जो भी नंबर्स है उसके जस्ट बाद की जो पावर होगी उसकी लास्ट डिजिट वही होगी जो नंबर खुद है।
तो यहां हमारे पास में 7 की पावर 73 है, तो 73 को हम क्या लिख सकते हैं, 72 प्लस 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 4 से डिवाइडेड जो नंबर है उसे हम अलग रख रहे हैं, उसके जस्ट बाद की जो वैल्यू है हमारे पास, तो ये हमारे पास में 72 है, 72 4 से डिवाइडेड है, 4 into 18 प्लस 1, इसका मतलब हमारे पास इसके जस्ट बाद कितनी वैल्यू आ रही है, 1, इसका मतलब इसकी लास्ट डिजिट वही होगी जो 7 की पावर 1 होगी। तो यहां हमारे पास में इसकी लास्ट वैल्यू क्या होगी, 7। सपोज करो यदि यहां पे 2 बच जाता तो उसका मान क्या होता, 7 की पावर 2 मतलब 9 होता इसकी लास्ट डिजिट। यदि यहां 3 बचता तो 7 की पावर 3 दैट मींस इसकी लास्ट डिजिट क्या होती, 3। और फिर 4 के लिए वही हमारे पास में इसकी वैल्यू रिपीट होती है 4 के जस्ट बाद की। तो ये 1 2 3 4 के लिए चेंज होंगे, बाकी के लिए रिपीटेड वैल्यू होती है। तो यहां हमारे पास में इसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी हमारे पास में, 7। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है ए लकी मैन फाइंड्स 6 पॉट्स। पॉट्स मींस घड़े। तो कोई लकी मैन है जिसे 6 घड़े मिलते हैं और गोल्ड कॉइंस, गोल्ड कॉइन से भरे हुए। ही काउंट्स द कॉइंस इन द फर्स्ट 4 पॉट्स टू बी 60 30 20 एंड 50। तो जो लकी मैन है वो उन घड़ों को काउंट्स करता है कॉइंस के लिए। तो फर्स्ट पॉट्स के अंदर उसे 60 कॉइंस मिलते हैं, सेकंड पॉट्स में उसे 30, थर्ड पॉट्स के अंदर उसे 20 एंड फोर्थ पॉट्स के अंदर उसे 15 मिलते हैं। If there is a definite progression, what would be the number of coins in the next 2 pots? यदि ये जो sequence है ये continuous चलती रहे, तो जो last के जो 2 pots हैं, 5th and 6th number के pots, उनमें gold coins क्या होगी respectively, वो हमसे पूछा गया है। तो ये question एक तरह से reasoning type का question है। तो इसमें एक जो main जो rule जो apply हो रहा है, वो rule हमें feel करना है, उसके according हमें last के 2 pots के अंदर coins के नंबर्स हमें बताने हैं। तो यदि हम इसे देखें तो जो 60 हमारा जो फर्स्ट पॉट्स है और जो सेकंड पॉट्स आ रहा है हमारा 60 का 30 आ रहा है, दैट मींस ये क्या बनेगा, 60 को 1/2 से मल्टीपल करने पर हमें 30 मिल रहा है। ऐसे यदि हम थर्ड की बात करें तो जो 30 आ रहा है उसको इन नंबर से एक प्लस करके जो वैल्यू आ रही है 2/3 उससे मल्टीपल करने पर हमें 20 मिल जाएगा, 20 है हमारे पास में। ऐसे जो फोर्थ होगा पॉट्स उसके अंदर ये जो 20 है इस 20 को भी इससे 1 प्लस करके मल्टीपल करेंगे तो 3/4 से मल्टीपल करेंगे तो 5 × 3 15 आ गया। तो ये हमारे पास में 4 पॉट्स के कॉइंस आ गए, इनमें ये सीक्वेंस है। तो लास्ट के 2 पॉट्स में क्या होंगे, 5th के अंदर जो 15 है इसमें 1 प्लस करेंगे तो 4/5, तो 5 से जैसे डिवाइड करेंगे 3 × 4 = 12। ऐसे जो 6 होगा हमारे पास में उसमें 12 × इसमें और 1 ऐड करेंगे तो 5/6, 6 से इसको डिवाइड करेंगे 2 × 5 = 10। तो 5th और 6th पॉट्स के अंदर जो गोल्ड कॉइंस होंगे वो होंगे हमारे पास में 12 और 10। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन 4। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है ए बी लीव्स इट्स हाइव इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर फ्लाइंग फॉर 30 मिनट्स ड्यू साउथ रीचेस ए गार्डन एंड स्पेंड्स 5 मिनट्स कलेक्टिंग हनी। कोई हमारे पास में बी है जो फ्लाई करती है मॉर्निंग के अंदर और साउथ के अंदर किसी गार्डन पे और हनी कलेक्ट करती है और 5 मिनट रुक के। तो यहां हम इसे एक डायग्राम की हेल्प से इसे समझते हैं।
तो ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ। ओके, तो ये साउथ की तरफ, यहां मान लिया हमने इस पोजीशन पे हमारी कोई बी है, ये बी साउथ की तरफ फ्लाई करती है और 30 मिनट्स तक ये फ्लाई करती है, 30 मिनट्स। देन इट्स फ्लाइज फॉर 40 मिनट्स और यहां 5 मिनट्स ये हनी को कलेक्ट करती है। ओके, इस गार्डन के ऊपर ये 5 मिनट्स हनी कलेक्ट करती है। देन इट्स फ्लाइज फॉर 40 मिनट्स ड्यू वेस्ट एंड कलेक्ट हनी। उसके बाद ये जो बी है ये 40 मिनट्स फ्लाई करती है, तो यहां से ये वेस्ट 40 मिनट्स फ्लाई करती है। Then it returns to the hive taking the shortest route. How long was the bee away from its hive? तो यहां ये हमारे पास है 40 मिनट से फ्लाई करने के बाद में, और यहां पे ये 10 मिनट्स। ओके, another garden for 10 मिनट्स यहां पर ये कलेक्ट करती है, तो यहां इस नेक्स्ट जो गार्डन है उसको ये 10 मिनट हनी कलेक्ट करती है। उसके बाद यहां से ये जहां से इसने फ्लाई किया है वहां से शॉर्टेस्ट रूट चुनकर और वापस यहां आती है, तो शॉर्टेस्ट रूट क्या होगा, स्ट्रेट रूट। तो यहां से ये हमारे पास में एक रूट आ गया। अब ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हमारा 90 एंगल का ट्राइंगल है। हम जानते हैं 90 डिग्री एंगल में पाइथागोरस थ्योरम से, तो पाइथागोरस थ्योरम से यदि हम इसको नाम दे तो ए बी एंड सी, तो यहां पे बाई पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इन मिनट्स को हम एक तरह से स्केल लेते हैं, यहां 30 और ये हमारा 40 है, तो जो हमारे पास में ए बी स्क्वायर है वो होगा 30 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 30 प्लस स्क्वायर ऑफ 40। ये हमारे पास में वैल्यू आएगी 900 प्लस 1600, दैट मीन्स हमारे पास में 2500 आ गई वैल्यू। यहां हमें ए सी की वैल्यू चाहिए, तो इसका हम अंडर रूट लेंगे, 2500 का अंडर रूट क्या होगा हमारे पास में 50। ओके, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 50 मिनट्स। अब हमसे पूछा गया है कि इस पॉइंट से ये हनी कितने टाइम्स तक दूर रही, तो यहां कितने टाइम्स तक दूर रही है, 30, 40, 50, 5, 10, इन सभी को हम काउंट करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, 30 एंड 50 हमारे पास में 80, 90, 130, 135। तो 135 मिनट्स है जो ये बी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से दूर रही, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।